हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है, आज है मंगल का दिन, ठीक है, और हम लोग आए अभी ये सेटअप पे। मुस्तफा भाई हमारे साथ हैं, थोड़ी सफाई वगैरह कर रहे हैं। फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, फ्लोर की पहले क्लीनिंग हो गई। उसके बाद अब सीन ये है कि भाई मैं आपको पहले कॉकटेल की अपडेट देता हूँ। कॉकटेल का क्या सीन था कि हमारे पास में दो चिक्स थे, ठीक है, और माशाल्लाह से वो सडन जो है ना उसने दोबारा ब्रीड करना शुरू कर दिए। अब तीन अंडे और आ गए इनके, ठीक है ना। और ये वाली जो फीमेल थी इसको हमने कहीं और छोड़ना था क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, और ये भी ब्रीड पे बैठ गई, अब देखिए अंडों पे बैठी हुई है, तो इसीलिए अब इसको जो है ना निकालना मुनासिब नहीं है। बच्चे हमारे साथ हैं, बच्चों ने क्या किया है ये भाई चूजों की फौज को डाल दिया अंदर, बंद कर दिए। और देखें डक्स भी अंदर बैठे हुए, चूजे भी अंदर बैठे हुए, इनको भी डालते हैं फीड। मिनाज जवाद इधर आओ, ठीक है। और उसके बाद मैं ये लोटिनो की अपडेट देता हूँ। इसको मैंने कल चेक किया था, ये जो बजीज है हमारे लोटिनो वाले रेड आइज में, ये भी ब्रीड पे है माशाल्लाह। इनका 5 का जो है ना क्लच है, मतलब 5 अंडे इन्होंने दिए। भाई इनको जो है ना फीड डाल दो, वो जो बर्तन पड़ा हुआ है ना उसके अंदर ये फीड डालो, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी डाल के दे दो अंदर। तो पहले चूजों की फौज को फीड देते हैं। और यार दूसरी बात ये है कि हम लोग संडे वाले दिन गए थे मार्केट, लालू खेत बर्ड मार्केट, और वहाँ पे जो ना मैं एक मतलब नायाब चीज़ मिल गई यार, वो चीज़ कहीं शॉप से नहीं मिली, ठीक है ना। रेंडम एक बंदा उठा के घूम रहा था, हमें पसंद है, हमने उससे बात करी, हमें ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, हमने उससे ले ली, ठीक है। अब लेने के बाद यहाँ पे आके हमने नेट पे रिसर्च करा तो पता चला कि भाई इनको आप घर में नहीं रख सकते, ठीक है, और ये अलाउ भी नहीं है घर में रखना, क्योंकि ये है पानी की चीज़, तो इसको आप जितना खुला पानी में छोड़ो उतना बेहतर है, क्योंकि इनका जो साइज़ होता है ना वो 200 किलो तक जाता है, मतलब 200 kgs तक जाता है, और जो बहुत ह्यूज साइज़ में होते हैं। ये देखिए जी, ये थे, इनको बोलते हैं सी टर्टल, मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ अभी ज़रा। ये देखिए ये होता है सी टर्टल, ठीक है जी। ये माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं, तो हमने इसकी सिर्फ खूबसूरती देख के ना इनको ले लिया था। हमने बोला था यार YouTube की वीडियो बनाते हैं, उसमें काम आ जाएंगे। हाँ नीचे से ये वाइट है, ब्लैक एंड वाइट इनका कलर है, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत है, तो बस हमने खूबसूरती देख के ना इनको ले लिया था। अभी सीन ये है कि यार इनको जो है ना थोड़े दिन रखेंगे हम, 2-4 दिन, उसके बाद फिर हम इनको लेके जाएंगे पानी में, जहाँ पे डीप वाटर होता है ना, मतलब हमारे जो कराची के जो साइड पे लगता है, जैसे ऑक्स पे है और सीवी वाला साइड है, तो वो खारा पानी है, उसके अंदर हम लेके जाके इनको छोड़ देंगे, क्योंकि इनको घर में हम नहीं रख सकते, ये जितना पानी में रहेंगे उतना इनके लिए बेहतर है। तो भाई ये हमारा इसका टोटल प्रोग्राम है। अभी भाई इनको जो है ना उसके अंदर डाल लें, ठीक है, ताकि इनको जो है ना थोड़ा सा नेचुरल इन्वायरमेंट मिल जाए। और ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना, ये धनिया है। मुझे किसी ने बोला कि यार इनको आप धनिया दो ये खाएंगे, और वाकई इनको धनिया जब दिया ना तो भाई ये धनिया खा रहे थे। ये देखने खुश्क हो जाएगा, ये मैट कलर में आ जाएगा, मैट ब्लैक हो जाता है, फुल मैट ब्लैक हो जाता है ये ना, ये थोड़ा सा करो, ये देखो ये मैट हो गया, बड़ी खूबसूरत चीज़ है यार, छोटी देख कर ले लिया ना, ठीक है गाइस। तो अब देखें ये पानी यहाँ पे रेडी है, वहाँ पे फीड इनकी रेडी है, हमारी फौज को अब यहाँ से करते हैं अनलॉक। भाई खोलो, ये अभी निकलेंगे यहाँ बाहर, देखना अभी को इन दोनों को ना पकड़ के उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये गिर जाते हैं बेचारे, जंप नहीं मार पाते। ये देखो यार इनका माशाल्लाह साइज देखो, तो अब भाई साइज दिखाओ, चेक करें, ये देखो, ओए ओए, ये देखो भाई माशाल्लाह इसकी गर्दन है ना हाथ में नहीं आ रही, बड़ा VIP साइज हो गया इसका, है ये लो, लगाओ हाथ लगाओ, चलो डेंजरस। ओ इसके पर देखो, पर के भी बाल आ रहे हैं इसके, नेक ब्लैक आ रहे हैं। हाँ तो गाइज अभी जस्ट हम लोग नीचे आए हैं, ठीक है, और ये टर्टल्स को मैंने जो है ना इसमें रखा हुआ था, ये वाले में ना बाउल के अंदर, और ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ना, ये मैंने इनको धनिया दिए, धनिया बड़ा ही शौक से खाते हैं, तो आज मैंने इनको जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था, भाई खाते रहेंगे ना। और भाई ये देखिए हमारा नया जो एक्वेरियम मैंने बनवाया है अभी ऑर्डर पर ना, तो इसके अंदर हमने टेस्टिंग के लिए पानी भर के रखा था कल,
और अभी तक इसमें से ना कोई भी लीक वगैरह का सिस्टम नहीं हुआ है। और ये देखिए फिनिशिंग से बना हुआ है ना, इसकी एजेस वगैरह देखिए बिल्कुल क्लीन बनी हुई है। तो इस तरह का होता है एक्यूरियम। और ये चचा ने देखे हमें दिए, मतलब देख के लग रहा है कि भाई ये ब्रांडेड बना हुआ है और ये लोकल माल है देसी। तो अब सीन ये है कि भाई इसका पहले ये पानी में से निकाल के पहले इसको हम सेटअप कर लेते हैं। ये जो टेस्टिंग वाला पानी है ना, इसको पहले गिराते हैं, फिर उसके बाद ये सेंड इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद इसके अंदर खारा पानी डाल के और फिर इसको टर्टल्स को इसके अंदर डालेंगे। ठीक है गाइस, तो ये नए वाले एक्वेरियम का जो टेस्टिंग पानी था ना, उसको गिराते हैं पहले। ठीक है, ये हो गया खाली, इसको रखते हैं वहाँ पे। तो अब जो है ना, इसको हम यहाँ पे रखते हैं इसमें। ठीक है, ये मैंने नीचे फोम रखा हुआ है, थर्माकोल फोम है ये, इसको इसलिए रखा है ताकि ये जो है ना टेढ़ा मेढ़ा होके डैमेज ना हो, टूटे ना। ठीक है, अब ये वाली जो सेंड है ये हम डालते हैं इसके अंदर, इसके इसकी सेटिंग करेंगे सेंड डाल के, और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे खारा पानी। तो यार जल्दी से पहले सेंड ऐड कर लेते हैं इसमें। भाई ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया, हमारी सेंड बोल ली कि हम तो निकलेंगे ही नहीं। यार ये सेंड में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जिस बंदे से मैंने ये एक्वेरियम लिया था ना, क्या बोलते हैं उसको, कमीने चचा से, तो भाई उसी ने मुझे बोला था कि ये सेंड में जो है ना बड़ा खुश रहता है। तो अब देखते हैं कि कितना खुश रहते हैं। सेंड को थोड़ा इसमें अरेंज कर देता हूँ। अब क्योंकि वो छोटा था तो उसमें ये सेंड पूरी आ रही थी, और इसमें आएगी नहीं पूरी क्योंकि ये साइज में बड़ा है उससे। ठीक है गाइस, अभी इसमें खारा पानी ऐड कर रहा हूँ। ऐड करो, डालो 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 डालो, बस। ठीक है जी, अभी इसमें देखें ये पानी बिल्कुल मेटा हो रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम छोड़ देंगे ना तो ये खुद ही इसकी जो मट्टी जो ऊपर उठ गई है ना वो नीचे चली जाएगी, उसके बाद ये पानी फिर साफ़ हो जाएगा। अब सीन ये, इसकी मट्टी को थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ ताकि वो अंदर जो बिल्कुल होल हो गया ना पानी गिरने की वजह से, वो थोड़ा सा कवर अप हो जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर इनको अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है गाइस, तो अब जो है ना इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं। डालो एक चम्मच, डाल दो एक और डाल दो। ठीक है जी, अब नमक इसमें ऐड हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं हमारे टर्टल्स। आजा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए ये देखिए जी जंप जंप। ओए भाई, इसमें इतनी ताकत है कि मेरे हाथ को हिला देता है, मतलब ठीक ठाक। ओए भाई ठीक ठाक इसमें पावर है। ये देखिए जी यार, है बड़ा खूबसूरत। ये देखो कितना खूबसूरत है। जाओ 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 जाओ, नए घर में इनको रिलीज कर रहे हैं। ये देखो इसके नीचे का जो शेल है ना वो बिल्कुल वाइट है, और ये ऊपर से बिल्कुल फुल ब्लैक है। ये देखो कितना खूबसूरत है। बस की खूबसूरती देख के हमने लिया था इसको ना इसमें। जा बेटा जा, तू भी आजाद। ओए स्लाइड मार के गया भाई अंदर। चलो जी, इनको नया घर मुबारक। ठीक है गाइस, अब इनको न्यू पूल में डाला है, मतलब एक्वेरियम में डाल दिए। अब इनकी जो फीड है ना वो थोड़ी सी इसको क्रश करके और उसको फिर इसमें हम डाल देंगे। बाकी ये धनिया के दो तीन जो ना पत्ते मैंने इसमें छोड़ दिए ताकि इनको अगर भूख भूख लगे तो ये खुद ही खा लें। छोड़, बस बस बहुत है बहुत है। ये इनको मैंने फीड भी डाल दी, अब इनको पूरा इनका सेटअप रेडी है। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की स्टोरी। बाकी भाई इनको माशाल्लाह से नए एक्वेरियम में शिफ्ट कर दिए, तो ये भी अभी सेट हो गया। इसको देखो ये कैसे पड़ा हुआ है। टिंग टिंग, वो नीचे चला गया। ठीक है जी, तो भाई इजाज़त दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ये देखो भाई, ये देखो ये जवान।